कोरोना वायरस इफ वी सर्च ऑन गूगल। तो गाइस देखो, जैसे मैंने कोरोना वायरस सर्च किया है, कोरोना वायरस अपडेट, कोरोना वायरस न्यूज़, चाइना, जो भी, राइट। जैसे मैं कोरोना वायरस को सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर रिजल्ट्स देखो, राइट, मिलियंस में है, आई थिंक बिलियंस में है, राइट। तो ये रिजल्ट है। और सेकंड्स देखो, 0.75 सेकंड्स। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा हुआ है जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। तो वहाँ पर मेरे को सर्च करके दिखा रहा है, शो कर रहा है कि यहाँ पर बिलियंस में सर्चेस हैं सिर्फ कोरोना वायरस की अपॉर्चुनिटी। इफ वी सर्च ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, यू कैन सी हियर 5.8 मिलियन, राइट, 5.8 मिलियन सर्चेस अबाउट कोरोना वायरस। सो दोस्तों, हुआ ये रिसेंटली एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है। मतलब कि ये गाइस कि इंटरनेट के ही द्वारा लोगों को अवेयरनेस हो रही है कोरोना वायरस की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पे ही देख देख के डर जा रहे हैं कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा कोरोना वायरस ने लोगों को डरा दिया है, इसलिए इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्चेस बढ़ गई हैं अबाउट कोरोना वायरस, राइट। कुछ लोग इसमें ढूंढ रहे हैं कि कौन सी आप मेडिसिन ले सकते हो, कैसे आप इससे बच सकते हो, कैसे आप सुरक्षित हो सकते हो। बट हियर वी हैव अ अपॉर्चुनिटी, राइट। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो बीमारी है ये इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई है, रिसर्च में पता चला है। तो इसी इंटरनेट से हम इसे एक पॉजिटिव वे में लेके काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अ मार्केटर, राइट। सो हम लोग बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जस्ट इस कीवर्ड को यूज करके जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड पूरे इंटरनेट बिजनेस में। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, लेट्स गो। सो हुआ ये गाइस, 2 डेज अगो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग माई फीड एंड सडनली आई गॉट वन पोस्ट अबाउट कोरोना वायरस। आई गॉट अ पोस्ट अबाउट कोरोना वायरस, आई वॉज शॉक्ड। I checked that post getting a lot of engagement, right? And then I checked that page and what happened, you know? I got that post is getting 100x engagement, right? That post is getting 100x engagement. And on the same page, I checked all posts, they are getting just 10% of engagement of that. And as a marketer, I start searching how is it happening, and then I got something for you. So the opportunity is we can make a lot of money. And मैंने क्या किया? मैंने बनाया एक page on Instagram, and I want to show you something. Just give me 1 minute. So this is my page. I created this 2 days ago, and I got 93 followers in just 2 days. You know what? ये हो इसलिए रहा है बिकॉज क्या होता है, देखो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि हमें कोई तबीयत खराब भी नहीं होता है, लेकिन वो हमें बता देते हैं तबीयत खराब हो जाता है, देन हम लोग सोचते हैं हाँ भाई हो सकता है, डॉक्टर बता रहा है हो रहा होगा, राइट। तो कई केसेस में वो हमें डरा डरा के दवा दे देते हैं और हम ले लेते हैं, बिकॉज ये होती है बीमारी जान की कि जान चले जाए भाई, जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, तो डर के बारे हम लोग पैसे खर्च कर देते हैं। वैसे ही कोरोना वायरस, इसीलिए बहुत ज्यादा सर्चिंग है इसकी कि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि इसके कुछ हो जाएगा, इसलिए लोग इसे हमेशा ढूंढ रहे हैं कि हम इसे कैसे सिक्योर रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, राइट। तो गाइज आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, आप भी एक इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करो। आपको जैसा कि पता ही है कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप 3 ऐसे नीश हैं जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा चलते हैं, और ये बिलियंस ट्रिलियंस की इंडस्ट्री है जहां पर आप काफी ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक पेज बनाते हो रिलेटेड टू हेल्थ और वहां आप कोरोना वायरस की चीजें डालते हो, जो भी उससे बचाने की चीजें, उसे सुरक्षित करने की चीजें, जो भी आप डालते हो, और वो आपका पेज अगर एक भी उसका पोस्ट वायरल जाता है, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आप उसमें अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अफिलिएट कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन इन फ्यूचर, बिकॉज ये वही लोग रहेंगे जो थोड़ा सा हेल्थ को लेके चिंतित रहते हैं, राइट। तो आप फ्यूचर में उनको अपनी चीजें भी बेच सकते हो रिलेटेड टू हेल्थ। नेक्स्ट,
सो गाइस जो नेक्स्ट तरीका है दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। यस गाइस देखो कीवर्ड बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा रीच है, तो क्यों ना इस पे ब्लॉग किया जाए। अगर आप चाहो तो इस पे आप बड़े बड़े ब्लॉग लिख सकते हो। उसमें आप दो चीज कर सकते हो, अगर आपके पास एडसन है तो आप उसको एडसन से मोनेटाइज करो, अगर आपके पास एडसन नहीं भी है और आपको ट्रैफिक मिलने लगे, क्योंकि अभी ये बंद नहीं होने वाला है, एक दो महीने अपने पास टाइम है, और अगर गलती से भी आपका रैंक कर जाता है तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हो, ना कि वन नेटवर्क से, सिर्फ एडसन से। बहुत सारे ऐसे एड नेटवर्क हैं, जब आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उनका भी एड लगा के अर्निंग कर सकते हो। दूसरा तरीका इसी में ये है कि आप एफिलिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोरोना वायरस से रिलेटेड चीजों को बेचो, आप क्या कर सकते हो, आप वो चीजें बेच सकते हो जो हेल्थ से रिलेटेड है, वही शो करो, वो लोग वहां से क्लिक करेंगे, आपके ऑफर पे जाएंगे और खरीदेंगे। और इट इज हैपनिंग, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस। जब आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कोरोना वायरस, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दे आर सेलिंग थिंग्स इन दिस। सो गाइस थर्ड जो चीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज ले सकते हो। तो आपको पता होगा सैनिटाइजर्स जो है बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं इस समय, राइट। देखो एक चीज याद रखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मास्क सेल करना है, क्योंकि मास्क जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होगा जब आप सेल भी करोगे तो आप क्या सैनिटाइजर सेल कर सकते हो। 100 रुपए के सैनिटाइजर 500 रुपए में मिल रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप गूगल करके भी देख सकते हो। तो अगर आप चाहो, अगर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया पेजेस है तो वहां पर आप अच्छा खासा सैनिटाइजर बेच सकते हो। आप डीमार्ट, वीमार्ट और थोक, बहुत सारे होलसेल की जो मार्केट्स हैं, वहां जाके इनको सिर्फ 50 रुपीज 100 रुपीज में ले सकते हो, और इवन अभी वहां बिक रहे हैं तो आप उसको जाके ले सकते हो और अपने सोशल मीडिया पे सेल कर सकते हो और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बिकॉज जो आसपास के स्टोर्स हैं वो 100 रुपीज नहीं, 500 रुपीज, 400 रुपीज, 300 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 200-250 में भी सेल करके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और मैं बता दूं इस बिजनेस से, जो मैंने लास्ट में अभी बताया आपको सैनिटाइजर सेल करने का, एक बंदे ने पूरा 15,000 रुपए अर्न किया है सिर्फ एक हफ्ते में, जिसका नाम है अमित शर्मा। और उसके बताने पे ही मैंने ये लास्ट आपको चीज बताई कि आप सैनिटाइजर भी सेल करके काफी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। और दो जो मैंने बताया वो मेरी तरफ से है, लाइक वहां से आप काफी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हो, बिकॉज वो ब्लॉग जो है वो आपका लॉन्ग टर्म रहेगा और जो आपका सोशल मीडिया पेज जो आप क्रिएट करोगे उस पे हेल्थ का आपका पूरा नीच क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये तीन तरीके थे, अगर आप चाहो तो आप भी कोरोना वायरस कीवर्ड का यूज करके काफी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। मैं तो कर ही रहा हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी करो, ताकि आपको भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे पाए कोरोना वायरस इन पॉजिटिव वे। सी यू नेक्स्ट टाइम, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहो। नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।